बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल के अंदर बिल किस तरह से बनाएंगे और पहले देख लें किस तरह ये बना हुआ है और फिर उसमें जो फार्मूले अप्लाई हुए हैं वो मैं समझा दूँगा और ये किस तरह यूज़ में लिया जा सकता है ये आप देखकर समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखें, नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, यहाँ से डेटा इंटर होगा और यहाँ से डेटा इंटर करेंगे तो वो यहाँ इनवाइस में ऐड हो जाएगा। अब जब सेंड क्लिक होगा तो यहाँ इनवाइस में ऐड होगा। इनवाइस में ऐड होने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने आइटम होंगे वो यहाँ आ जाएंगे इनवाइस में। उसके बाद यहाँ फार्मूला भी बताता हूँ मैं, डेट वगैरह का किस तरह से लेंगे इसमें हम। और फिर क्लियर करने से ऑल इनवाइस का डेटा क्लियर कर सकते हैं। प्रिंट क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू में चले जाएंगे, यानी इस इनवाइस को प्रिंट करना है। अब यहाँ जो डेटा इंटर हो रहा है वो इस टेबल से हम उठा रहे हैं, डेटा टेबल से। और यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जो आइटम नेम होते हैं डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है। इसकी पिछली वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है, लिस्ट वगैरह किस तरह से बनाई जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो जाकर अगर फर्स्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो वॉच कर सकते हैं। अब ये देख लें किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन पर गए, ये सेल में ड्रॉप डाउन सा बना हुआ है, जो परचेज़ हो रही है चीज़ जिसका बिल बना रहे हैं वो नाम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, उसकी प्राइस आ जाएगी। अभी प्राइस किस तरह से उठा रहे हैं हम टेबल से, अब इसका मैं फार्मूला बताऊंगा। सिर्फ अभी एग्जांपल ये देख लें कि ये क्या काम हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने क्वांटिटी इंटर करी तो अमाउंट आ गया, ये काम यहाँ का इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, सेंड। जैसे ही सेंड क्लिक किया तो यहाँ पर वो एंट्री हो गई, पूरी ऐड हो गई इनवाइस में, और उसके बाद नंबर सीरियल भी ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद सेकंड एंट्री कर लेते हैं, कीबोर्ड भी आ गए, कीबोर्ड कितने हैं, 20 हैं। उसके बाद अमाउंट आ गया सेंड, ऑटोमेटिक 2 हो गया। फिर उसके बाद फ्लैश डिस्क कितनी है, क्वांटिटी इंटर, उसके बाद सेंड। इस तरह से ये हो गया। आप प्रिंट में जाएंगे तो ये यहाँ पर प्रीव्यू में आ जाएगा। प्रीव्यू में आने के बाद अगर इसको प्रिंट आउट करना है तो यहाँ से जाएंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे हम। क्लियर करना है वापस आ जाए, मैं यहाँ से अब डेटा क्लियर करना चाह रहा हूँ इनवाइस के अंदर से, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्लियर डेटा। जैसे ही क्लियर डेटा करेंगे तो ये मैंने मैसेज में अभी क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है तो ये वही शो कर रहा है। आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट आप इधर दे सकते हैं कि आप डेटा क्लियर करना चाह रहे हैं या इंग्लिश में या जो भी आपको लिखना है, तो वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे यस। तो ये जितना भी डाटा होगा वो सारा इनवाइस से हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब ये तो मैंने समझा दिया कि ये क्या है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं। अब इसमें कौन से फंक्शन यूज़ हुए हैं, किस तरह से ये पूरा काम होगा, इसका मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, जो जो ऑप्शन इसमें यूज़ हुए हैं सारे, वो मैं इसी में समझा देता हूँ। अगर मैं दोबारा शुरू से ही आपको बनाना बताऊँगा तो ये तकरीबन एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, 40 से 50 मिनट कम से कम लगेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से आप समझ लें और फिर जब आप बनाएं इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये इसी तरह से आप डिज़ाइन कर लेंगे, अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हुए आ रहे हैं। और फिर भी अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मैं डाउनलोड के लिए भी दे दूंगा लिंक, वो ये वाली फाइल आप डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं और इसी से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इतना कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एंट्री, जैसे 1 2 लिखा हुआ आ रहा है, ये किस तरह से, इसके लिए मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, एडिट नंबर वाले सेक्शन में आ जाए। और फिर मैंने बता दिया, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, बॉर्डर्स वगैरह का नहीं पता, कॉलम विज वगैरह का किस तरह से, तो मेरा शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं, बेसिक किस तरह से की जाती है ये फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर इक्वल लगता है, सबसे पहले हमने नंबर के फर्स्ट सेल में आके कहा इक्वल इफ कंडीशन, और इस सेल को आइटम नेम में जो कि अभी ब्लैंक है, तो हमने कहा अगर ये बराबर होता है ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ब्लैंक कॉमा, तो इस जगह भी ब्लैंक करें जहाँ ये फार्मूला है। और अगर ऐसा नहीं है, देखिए मैंने कॉमा के बाद क्लिक किया तो वैल्यू ऑफ फॉल्स यानी ट्रू में तो ये हो जाएगा, अगर ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या होगा, 1 लिखा हुआ शो हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, जब मैं यहाँ से डाटा सेंड करवा रहा हूँ तो यहाँ डाटा शो हो रहा है और यहाँ इसको ये ब्लैंक नहीं रहा क्योंकि डाटा आ गया, तो यहाँ पे ये 1 शो कर रहा है। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरे सेल में 2 किस तरह आएगा, सेकंड सेल में आके डबल क्लिक, अब मैंने कहा इक्वल इफ
इस सेल को, यानी ये दोबारा मैंने कहा इसके बराबर वाला सेल अगर ब्लैंक है, इक्वल के साइन के बाद दो दफा इनवर्टेड कॉमा, मैंने कहा ब्लैंक, तो कॉमा यहाँ पे भी ब्लैंक कर दें, नहीं तो फिर कॉमा के बाद मैंने कहा ऊपर वाला जो सेल होगा उसमें लाजमी बात है वन होना चाहिए, तो उसमें प्लस कर दें वन, तो वो हो जाएगा टू। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने नीचे ड्रैग करा हुआ है, देखें यहाँ क्लिक किया, अभी कुछ है नहीं लेकिन फार्मूला बार में देख लें फार्मूला शो हो रहा है। तो ये तो हो गया सबसे पहला काम इसका। अब दूसरा, यहाँ पर डेट किस तरह से शो करनी है, यहाँ पर आप डेट के अलग अलग तरीके हैं, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक टैक्स फार्मूला अप्लाई करें और टैक्स के बाद टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इनवर्टेड कॉमा में डेट का जो फॉर्मेट होता है डी 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 डेट के लिए, फिर डैश मंथ मैं चाह रहा हूँ अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं तो तीन दफ़ा मैंने एम दे दिया यहाँ पर, फिर माइनस और उसके बाद वाई, ईयर के लिए मैंने दो दफ़ा वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें इस तरह से ये डेट आ जाएगी, ये रहा सेल में फार्मूला है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फार्मूला बार में चेक कर लें, और प्लस मैंने बता दिया ये फाइल आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, इसमें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी हैं ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो, इसमें आप और दे सकते हैं नंबर्स, इनवाइस वगैरह, किसने प्रिंट करी है, चेक किसने करी, बनाई किसने, किस टाइम, नाम शॉप का जहाँ का भी आप काम करेंगे उसमें आप अपना नाम दे दें, एड्रेस दे दें, ईमेल वगैरह होता है कांटेक्ट, वो आप इधर दे देते हैं। अब बॉटम पर अगर हम आ जाते हैं, टोटल दिया हुआ है, टोटल में हम जो भी यहाँ पर एंट्री हो रही है उसको प्लस करना है तो सम लगा देंगे, सम के बाद ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। उसके बाद अब ये चीज़ें, ये सिंपल मैंने कॉलम विड्थ बढ़ाई हुई है, उसमें एक एक सेल मैंने अलग अलग दे दिया, यहाँ पर जो हेडिंग्स दी हुई थी इनवाइस की वो मैंने इस तरह से कॉलम में लिख ली, आइटम नेम क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। अब ये ड्रॉप डाउन के लिए सेल में आपको डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी है, डेटा में जाएंगे यहाँ से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट सेलेक्ट सोर्स, और सोर्स में जाके जो नाम होंगे वो आप सेलेक्ट करें ऑल, ओके। तो इस तरह से देखें लिस्ट बन जाएगी, सारे नाम आ गए, और इसको बॉर्डर कर दें यहाँ से, इसी तरह सिंगल सेकंड थर्ड। अब उसमें बाकी मैं फार्मूला है, लिस्ट में सिर्फ यही काम था, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ दिया हुआ होम मेन्यू में क्लियर ऑल, तो यहाँ से लिस्ट ख़त्म। अब सेकंड क्वांटिटी, क्वांटिटी डायरेक्ट इंटर होगी, यानी जो चीज़ आपसे खरीदी जा रही है पहले ड्रॉप डाउन से उसका नाम सेलेक्ट कर लिया, फिर क्वांटिटी इंटर करी तो यहाँ प्राइस आ जाए, तो ये प्राइस किस तरह लिखे हुए आ रहे हैं और अमाउंट मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, इसके लिए फिर फार्मूला हम लगाएंगे, ये देख लें किस तरह से लगेगा। इक्वल इफ एरर, एरर को हटाने के लिए इफ एरर होता है, और उसके साथ मैंने कहा वी लुकअप नेम, देखें इसका सेल एड्रेस आ गया K4। उसके बाद टेबल एरर कहाँ देखना है, मैंने कहा आइटम नेम और अमाउंट में से देखना है, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स प्राइस, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस चाहिए तो आइटम नेम वन और अमाउंट टू हो गया, तो यहाँ पर हम कर देंगे टू, और फिर प्लस फॉल्स एग्जिट मैच एंटर, सॉरी ब्रैकेट वी लुकअप का क्लोज हुआ, तो इफ एरर के लिए फिर हम कॉमा वैल्यू इफ एरर में हमने कहा जीरो कर दें अगर यहाँ पर एरर आएगा तो। और एरर क्यों आता है, जब लुकअप वैल्यू सेल में कुछ नहीं होगा ब्लैंक होता है तो वी लुकअप एरर देता है, तो एरर ख़त्म करने के लिए मैंने कहा यहाँ पर जीरो प्रिंट कर दें, और सेम इसी तरह यहाँ पर इफ एरर, यहाँ भी एरर आ सकता है, तो इसको हमने कहा प्राइस मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी कॉमा, और अगर एरर हो वैल्यू इफ एरर में जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देख लेते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाए, माउस की प्राइस आ गई 250, ठीक है। क्वांटिटी भाई आपसे 10 ले रहे हैं, आपने एंटर करी, अमाउंट आएगी, आप ये कहाँ भेजना है हमें इनवाइस के अंदर अपनी, वन लिखा हुआ आ गया, डेटा ऐड हो गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री करनी है, इसमें आ गए कीबोर्ड कितने ले रहे हैं भाई, 20 ले रहे हैं, सेंड टू हो गया, इन्फॉर्मेशन आ गई सारी इसमें। उसके बाद इसी तरह बस आपको काम करना है, एक दफ़ा ये बन जाएगा तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ एंट्री करें सेंड। अब बात आ जाती है ये जो सेंड हो रहा है, क्लियर हो रहा है, प्रिंट प्रीव्यू हो रहा है, ये बटन किस तरह से काम कर रहा है और ये कहाँ से आए हैं बटन। तो पहले तो ये देख लें क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया, क्वेश्चन मार्क मैंने बताया, मैंने अभी कुछ तरह ऐड नहीं करा टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही दे रहा है, यस करेंगे क्लियर हो जाएगा ये। तो
ये बटन के लिए डेवलपर टैब होती है, डेवलपर टैब ऑन करने के लिए किसी भी मेन्यू में राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबिन, या यहाँ पर आ जाए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आएंगे तो यहाँ पर डेवलपर का टैब होगा, इसके ऊपर आपको चेक लगाना है। चेक लगा के ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। इसमें इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ दिया हुआ कमांड बटन, कमांड बटन तीन मैंने इंसर्ट करें, एक मैं बता रहा हूँ किस तरह से इंसर्ट होगा, बाकी आप जितने चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें इंसर्ट करने के लिए ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ करने के बाद अभी ये जो इसमें नाम आ रहा है कमांड बटन फोर, क्योंकि तीन मैंने यूज़ किए हैं, तो अब जो ड्रॉ ग्राफ फोर आ रहा है इसको चेंज करना है। जैसे रीनेम हुए में तो राइट क्लिक होता है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ कैप्शन होते हैं, कैप्शन के लिए यहाँ पर कमांड बटन फोर आ रहा है, इसको हटाएं। और यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ इसको प्रिंट, यहाँ से क्लोज करेंगे तो वही नाम इसका बटन के ऊपर आ जाएगा। मैंने ज़्यादा इसको ड्रॉ किया है तो ये थोड़ा इन बटन से बड़ा नज़र आ रहा है आपको। आपको जिस इसमें ड्रॉ करना होगा साइज़ में, उस हिसाब से माउस ड्रॉ एंड ड्रैग करेंगे तो ये उसी हिसाब से फिर ड्रॉ होगा। अब एक चीज़ यहाँ देख लें, जब आप ड्रॉ कर लेते हैं, अभी यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मोड क्लिक हुआ हुआ है, क्लिक हुआ हुआ मतलब ये हाईलाइट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये एडिट में है अभी, यानी इसमें आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। जैसे वाले बटन पे हम क्लिक कर रहे थे तो क्लियर हो रहा था, और सेंड कर रहे थे तो सेंड हो रहा था, तो अभी इसमें यानी काम कर सकते हैं। और इन बटन को भी अगर हमें एडिट करना है तो पहले हमें डेवलपर टैब में आके डिज़ाइन क्लिक करना है, फिर ये बटन एडिट होंगे। अब देखें, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं डिज़ाइन मोड हटा देता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन बटन प्ले हो रहा है। तो यही काम इसमें अभी जैसे अप्लाई हुआ हुआ है, इनको हमने काम बताया हुआ है सेंड का, क्लियर का, प्रिंट प्रीव्यू का, वो काम किस तरह से बताया हुआ है, वीबीए कोड से बताया हुआ है, तो ये बटन अपने काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया। अब एडिट करने के लिए दोबारा डिज़ाइन मोड क्लिक, जितने बटन आपने ड्रॉ किए हुए हैं डिज़ाइन एक दफ़ा क्लिक होगा सारे बटन एडिट में हो जाएंगे। ये वाला बटन या ये वाला या ये वाला, जिसमें भी आपको काम करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक ही विंडो जाएगी आपकी वीबीए कोड की, एक ही यानी तीनों जगह जहाँ पे जो कोड होंगे वो उसी विंडो में जाएगा। अब जैसे मैंने इन तीन के कोड लिखे हुए हैं, मैं क्लियर डेटा क्लिक करूँ या सेंड पे डबल क्लिक, तो ये देखें प्राइवेट सब कमांड बटन इन वन, यानी पहले बटन का कोड ये, उसके बाद सेकंड बटन को क्लिक करके मैं आया तो ये यहीं लेकर आया मुझे उस बटन के नीचे, तो यहाँ कमांड बटन टू हो गया। और ये सेकेंड जो बटन था क्लियर कॉन्टेंट्स का, देखें ये कोड लिखा हुआ क्लियर कॉन्टेंट, तो वो यहीं आया। फिर थर्ड बटन को मैंने क्लिक करा तो वो मुझे यहीं लेकर आया कमांड बटन थ्री, और यहाँ एक्टिव शीट प्रिंट प्रीव्यू में जो हम जा रहे थे। और अगर यहाँ पर अब जैसे चौथा बटन हमने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ रहा कमांड बटन फोर, और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, और यहाँ मैं कर रहा हूँ डॉट प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रिंट प्रीव्यू, और नॉर्मल अगर प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ पर कर देंगे प्रिंट आउट। दो तीन यानी चार बटन हो गए अब हमारा, तो ये हो गया। अब फर्स्ट बटन जो है हमारा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर जो हमारा सेंड वाला बटन है इसका जो कोड है वो देख लें। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले कमांड बटन वन लिखा हुआ आ जाएगा खुद ही जब आप क्लिक करेंगे डबल, तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखना है डिम आइटम नेम। आइटम नेम क्या है, यहाँ पर शीट की जो हेडिंग है। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर जो के कॉलम है और यहाँ पर फोर रो, यहाँ मैंने इसमें लिस्ट बनाई हुई है, देखें यहाँ इसका सेल एड्रेस आ गया K4, और उसके बाद क्वांटिटी K5, फिर प्राइस K6 और अमाउंट K7, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है सेल का आपको। तो सबसे पहले मैंने टाइप करी सारी हेडिंग्स, आइटम नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी कॉमा अमाउंट एज स्ट्रिंग, शीट नेम मैंने रीनेम यहाँ पर देखें बिल के नाम से किया हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे रीनेम हो जाती है शीट। तो यहाँ पर बिल मैंने नाम दिया डॉट शीट सिलेक्ट, डॉट सिलेक्ट के बाद आइटम नेम जो मैंने यहाँ डिफाइन करी थी हेडिंग्स वो इसमें दी बराबर है, रेंज K4 यानी K4 में।
प्राइस रेंज K5 में, क्वांटिटी रेंज K6 में, अमाउंट K7, और डॉट टैक्स किया हुआ है। अब इसमें है क्या, ये करना क्या है, उससे आगे मैंने इसको बताया। शीट बिल वाली जो है डॉट सिलेक्ट में टोटल डेटा रेंज K2 K10। अब ये क्या है, ये काउंट करेगा, और काउंट के लिए हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर इधर मैंने कलर इसका वाइट किया हुआ है, ये काउंट करेगा तो नेक्स्ट एंट्री ऐड होगी हमारी। ये देखें यहाँ पर, ये ज़रूरी है, यहाँ पर डबल क्लिक काउंट, और काउंट क्या करना है, इस वाले कॉलम का आइटम नेम वाले, क्योंकि जो हम डेटा यहाँ से सेंड कर रहे हैं, अभी देखें डिज़ाइन में है ना, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। सेंड, जैसे ही सेंड हुआ यहाँ पे वन लिखा हुआ आ गया, सही। तो यहाँ पे अब अगर सेकंड एंट्री होगी, तो इस तरह से टू, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने दोबारा एडिट कर लेते हैं डबल क्लिक। तो ये जो हमने सेल बताया है, इसको शीट्स बिल डॉट सिलेक्ट टोटल डेटा बराबर रेंज K10, तो ये ज़रूरी लिखना है, कोट डॉट वैल्यू रोज डेटा टोटल 8। अब 8 जो है यहाँ पर वो ऊपर से ड्रॉप हो रही है, लाइंस जो रॉ हैं वो मैंने यहाँ पर 8 रखी हैं, फिर टोटल डेटा प्लस 8 डॉट सिलेक्ट, फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी रोज, ये टाइप करना है आपको, टोटल डेटा प्लस 8, वही कमांड रिपीट होगी, एफटी शीट डॉट पेस्ट एप्लीकेशन कट कॉपी मोड बराबर है फॉल्स। उसके बाद रेंज ये हमें लिखना है ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में डी। अब डी यहाँ पर क्या है, कॉलम टोटल डेटा प्लस 8 डॉट सिलेक्ट आइटम टाइप आइटम नेम। अब देखें यहाँ पर इसके अंदर आ जाए, अब डी कॉलम और 8 रॉ है, सही। तो ये मैंने इसको ड्रॉप किया, यहाँ पर एंट्री होगी, उसके बाद ई कॉलम है, फिर एफ है, और फिर जी है। तो ये चीज़ ये यहाँ पर डिफाइन हो रही है, ये दो लाइनें आप लिख के, मैं इस तरह इजीली समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये इतनी सारी बातें कैसे दिमाग में बैठेंगी हमारे। तो ये दो लाइनें लिखनी है आपको, उसके बाद कॉपी करके 1 2 3 तीन दफ़ा और पेस्ट करना है, और फिर फर्स्ट जहाँ डी है इसको हम ई कॉलम करना है, फिर एफ कॉलम करना है, फिर जी, और बाकी चीज़ें जो आइटम नेम थी उसके बाद वाली हेडिंग प्राइस, उसके बाद वाली हेडिंग क्वांटिटी, उसके बाद वाला अमाउंट। ये इतना इस तरह सिंपल है, आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी और अगर डिटेल्स देख चाह रहे हैं तो पहले ये कर लें, फिर उसके बाद आप जब ये करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट खुद ही से क्लियर होंगे। उसके बाद शीट बिल डॉट सेलेक्ट रेंज K4 से K5 बराबर है ब्लैंक, तो रेंज K4 डॉट सेलेक्ट, ये हो गया फर्स्ट बटन। उसके बाद सेकंड बटन पे आ जाएंगे, मैसेज बॉक्स जो आ रहा है देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसको अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अभी मैंने क्लियर करके दिखाया था तो क्वेश्चन मार्क आ रहा था, तो अब हम यहाँ पर इसमें टाइप करेंगे जो भी आपको मैसेज देना है, वो आप इधर टाइप करें। उसके बाद ये आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा VBA क्वेश्चन प्लस VBA यस या नो कॉमा कन्फर्म, यानी अब वो जो मैसेज बॉक्स आ रहा है उसमें टाइटल ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, कन्फर्म। उसके बाद इफ बराबर है VBA यस देन शीट बिल, शीट जो नाम है मैंने रखा हुआ जिन्हें बताया था आपको बिल, वो आ गया डॉट रेंज D8 से G22 क्लियर कंटेंट, यानी जो भी रेंज मैंने बताई हुई है उसमें वो क्लियर कर दे कंटेंट। उसके बाद शीट दोबारा सेलेक्ट हो K4 K5 बराबर है ब्लैंक, रेंज K4 डॉट सेलेक्ट, रेंज G3 बराबर है टूडे, और उसके बाद रेंज G6 अगर ब्लैंक होगा तो वहाँ पर टूडे की डेट अगर होगी तो आ जाएगी। उसके बाद वन हमने डेट एंटर करी हुई है, उसका भी कोई मसला नहीं है। एंड इफ़ ये लिखना ज़रूरी है, और एंड सब, अच्छा एक चीज़ देख लें, एंड सब जो बटन हमारा फर्स्ट था उसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था उसका एंड सब्जेक्ट यहाँ हुआ, फिर सेकंड सब बटन का प्राइवेट सब स्टार्ट हुआ तो उसका एंड इफ़ इफ़ कंडीशन जो यहाँ ओपन हुई थी यहाँ पर क्लोज, और फिर एंड सब। उसके बाद ये तो सिंपल ही सही है, तीसरा बटन एक्टिव शीट डॉट प्रिंट प्रीव्यू एंड सब, बस के साथ ये आ रहा है। ये इतना काम आपको VBA में करना है, इसमें लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिया था और अब मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। तो अब ये इतना काम हो गया हमारा, इसको रनिंग के लिए रन करने के लिए बताया डेवलपर में, अनचेक डिज़ाइन मोड। अब जो भी हम यहाँ से क्लियर करेंगे, देखें जो मैंने मैसेज दिया वो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए, पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था, आइए डू यू वॉन्ट टू डिलीट डेटा, यस करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूलों के साथ प्लस VBA प्लस बटन कमांड, ये टेक्निक्स मैंने आज की इस क्लास के अंदर समझाई हैं। ये इस तरह भी आप बिलिंग वगैरह के ऊपर अपने एक सॉफ्टवेयर की तरह से अगर चाह रहे हैं बनाना, तो वो आप इसमें इस काम से कर सकते हैं।
मैन हेडिंग्स वगैरह एडवांस करनी है, कॉलम्स बढ़ाने हैं आपको, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने इसमें आपको गाइड की है, और कोशिश की है बेहतर से बेहतर इस तरह से समझाऊं कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आज की मेहनत मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्रैक्टिस करें। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, अगर फर्स्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल है, ये ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, कुछ देखने जाते हैं सीखने जाते हैं उसके लिए भी सजेशन या कमेंट ज़रूर करें, दुआ में याद रखिए। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।